एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रिया। आज के इस वीडियो में मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूं मेरी विंटर स्पेशल स्किन केयर रूटीन, जो कि मैं नाइट और डे दोनों शेयर करने वाली हूं। विंटर में किस तरीके से आप अपने स्किन को नाइट और डे दोनों में केयर कर सकते हैं, वो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ। सो छोटे से ये मेरे स्टेप हैं, कुछ टिप्स और ट्रिक्स। आई होप आप लोगों को भी इस विंटर इस तरीके से स्किन केयर करने से कुछ बेनिफिट्स हो सकते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, एंड वीडियो पसंद आए तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप देख सकें। सो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ नाइट स्किन केयर और डे स्किन केयर दोनों ही शेयर कर दूंगी कि कौन सा प्रोडक्ट आप नाइट में यूज कर सकते हैं और डे में यूज कर सकते हैं, क्योंकि विंटर स्टार्ट हो गया है और सभी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होने लगती है। विंटर में हमें कुछ ज़्यादा ही केयर करना पड़ता है अपने स्किन का। सबसे फर्स्ट आता है क्लींजिंग। तो विंटर में आप किस तरीके से अपने फेस को क्लींज कर सकते हैं, डे हो या नाइट, हम अपने फेस को क्लींज जरूर करते हैं, क्योंकि हमेशा हमारे फेस पे कब कुछ ना कुछ डर्ट डस्ट होता है, या फिर आप जो भी मेकअप करते हैं उसे रिमूव करने के लिए क्या यूज कर सकते हैं। सो क्लींजिंग के लिए मैं विंटर में यूज करती हूँ कोकोनट ऑयल, जो कि पैरासूट की कोकोनट ऑयल है। ये कोकोनट ऑयल हर जगह अवेलेबल होता है। ये क्लींजिंग की तरह बहुत ही अच्छा काम करता है, आपके फेस से पूरे डर्ट एंड डस्ट मेकअप को भी रिमूव कर देता है। मैं विंटर में मेकअप रिमूव करने के लिए भी कोकोनट ऑयल ही यूज करती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो बड़ी बड़ी सी बोतल मेरे पास ऐसे होती है, एंड तो इस तरीके से आप फेस क्लींज करने के लिए डे और नाइट दोनों में ही यूज कर सकते हैं कोकोनट ऑयल। थोड़े से कॉटन में आप इसका 2-3 ड्रॉप ले लीजिए इस तरीके से, और अपने फेस को अच्छे से क्लींस कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप होता है फेस वॉश। तो विंटर में आप अपने फेस के अकॉर्डिंग, आपकी स्किन ड्राई है, ऑयली है, या फिर विंटर में आपको बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाते हैं, या फिर स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है विंटर में, तो आप कोई सॉफ्ट सा ग्लिसरिंग वाला फेस वॉश यूज करिए, एंड अगर आप स्किन नॉर्मल है तो आप जो समर में फेस वॉश यूज करते हैं आप उसे ही यूज कर सकते हैं। मेरी स्किन नॉर्मल टू ड्राई है, तो मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम भी नहीं होती है, तो मैं जो समर में फेस वॉश यूज करती हूँ वही मैं फेस वॉश विंटर में भी यूज कर लेती हूँ। अभी मैं फेस वॉश के लिए यूज कर रही हूँ ये नीम तुलसी की फेस वॉश, बहुत ही अच्छी फेस वॉश है। ये नीम एंड तुलसी की फेस वॉश हमारे स्किन के लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। नीम और तुलसी दोनों ही अच्छा होता है। मेरी स्किन नॉर्मल है, मुझे ज़्यादा स्किन पे ऑयल नहीं होता है और ना ही पिंपल्स होते हैं, सो इसलिए मैं ये नीम तुलसी फेस वॉश यूज करती हूँ विंटर में, कि कहीं आगे मुझे पिंपल्स की प्रॉब्लम ना हो या फिर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। इसके लिए तो आपको जो भी फेस वॉश सूट करता है वो फेस वॉश आप यूज कर सकते हैं। फेस वॉश को हमें 2 टाइम ही यूज करना चाहिए, मॉर्निंग एंड नाइट। सो यहाँ पे मैं स्किन केयर शेयर कर रही हूँ, तो मॉर्निंग हो या नाइट आप कोई भी फेस वॉश यूज कर सकते हैं। मैंने अपने फेस को वॉश कर लिया है, एंड नेक्स्ट स्टेप होता है टोनिंग। विंटर में भी आप टोनर का यूज जरूर करिए। ज़्यादातर लोग विंटर में टोनर का यूज नहीं करते हैं, वो फेस वॉश के बाद डायरेक्ट मॉइस्चराइजर या फिर बॉडी लोशन यूज करते हैं। सो विंटर में भी हमारे फेस को टोनिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विंटर में मैं फेस टोनर के लिए यूज करती हूँ रोज वाटर। रोज वाटर काफ़ी ही सॉफ्ट और स्मूथ है आपके फेस के लिए, और हर जगह अवेलेबल होता है। टोनिंग करने के बाद नेक्स्ट स्टेप आता है मॉइस्चराइजर के लिए। सो मॉइस्चराइजर के लिए हम डे में कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करें और नाइट में कौन सा मॉइस्चराइजर यूज करें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो आप कोई
आलमंड या विटामिन ई वाला मॉइस्चराइजर यूज कर सकते हैं। अफोर्डेबल में आप यूज कर सकते हैं ये जॉय की हनी एंड आलमंड क्रीम, ये भी बहुत अच्छा नरिशिंग क्रीम है। अगर आप स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है तो डे और नाइट दोनों में से ये आप यूज कर सकते हैं, एंड इसके अंदर आलमंड ऑयल है तो वो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। एलोवेरा जेल आई थिंक सभी के पास अवेलेबल होता है तो आप इजीली परचेस कर सकते हैं, एंड आप मॉइस्चराइजर के लिए नाइट में और डे में दोनों में एलोवेरा जेल का यूज कर सकते हैं। अगर आप कोई नाइट क्रीम नहीं परचेस करना चाहते हैं तो आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं। अगर आप स्किन ड्राई है ऑयली है तो दोनों में आप एलोवेरा जेल यूज कर सकते हैं एज ए नाइट क्रीम और डे क्रीम। एंड नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास एक और है जो कि अभी न्यूली है, पॉन्ड्स की ये लाइट मॉइस्चराइजर, इसे मैं यूज कर रही हूँ कुछ टाइम से विंटर में। सो ये भी काफ़ी अच्छी है, अगर आप स्किन ऑयली और ड्राई दोनों हैं तो आप इस मॉइस्चराइजर का यूज कर सकते हैं। न्यू लाइट मॉइस्चराइजर क्रीम है एंड इसकी एक क्रीम जेल भी आती है, सो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। अगर आप स्किन ऑयली है बहुत ज़्यादा तो मैंने अपने पुराने वीडियो में बताया हुआ है कि ऑयली स्किन वाले को हमेशा जेल यूज करना चाहिए। तो कोई भी आप नाइट क्रीम या डे क्रीम यूज करते हैं तो उसमें जेल होना चाहिए, वो जेल फॉर्म में होना चाहिए। इसलिए मैंने बताया कि आप एलोवेरा जेल का भी यूज कर सकते हैं या फिर आप कोई भी पॉन्ड्स की एक न्यू आ गई है पॉन्ड्स की डे जेल क्रीम, सो उसे भी आप यूज कर सकते हैं। मैं विंटर में यूज करती हूँ ऑलवेज ये बायोटिक की बायो कोकोनट क्रीम। ये बायोटिक की बायो कोकोनट क्रीम है, ये बहुत ही ज़्यादा लाइट क्रीम है और बहुत ही ज़्यादा नरिशमेंट है इसके अंदर। वाइटनिंग ब्राइटनिंग क्रीम है, हमारे स्किन को बहुत ज़्यादा स्मूथ बनाता है मेरे स्किन को। मैं इसको एज ए नाइट क्रीम और डे क्रीम दोनों यूज कर लेती हूँ। ज़्यादातर मैं विंटर में एज ए डे क्रीम ये बायोटिक की क्रीम यूज करती हूँ और एज ए नाइट क्रीम मैं एलोवेरा जेल यूज करती हूँ। मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है तो मैं ये यूज करती हूँ। सो नेक्स्ट स्टेप आता है बॉडी लोशन के लिए। विंटर में आप बॉडी लोशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, नाइट या डे आप किसी भी टाइम यूज कर सकते हैं। सो मैंने सोचा कि ये नाइट टू डे मैं स्किन केयर रूटीन शेयर कर रही हूँ तो बॉडी लोशन भी आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। मैं विंटर में बॉडी लोशन के लिए यूज करती हूँ ये हिमालया की कोकोआ बटर बॉडी लोशन। आपके पास जो भी बॉडी लोशन है, जो भी आप यूज करते हैं वो यूज कर सकते हैं, बट स्किप नहीं करिएगा, बॉडी लोशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एंड आप बॉडी लोशन नहीं यूज करते तो वैसलीन, वैसो केयर, बोरोलिन या फिर आप कोई भी बोरो प्लस भी यूज कर सकते हैं, वो भी हमारे स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है। सो इसके बाद हम बॉडी लोशन लगा लेते हैं। बॉडी लोशन के बाद लास्ट स्टेप आता है हमारे लिप के लिए। आप कोई भी लिप बाम यूज कर सकते हैं, नाइट हो या डे लिप बाम हमें जरूर यूज करना चाहिए। लिप बाम के लिए मैं ऑलवेज सजेस्ट करती हूँ वैसलीन। मुझे वैसोलीन वैशो केयर बहुत पसंद है, मुझे शूट करता है। विंटर हो समर हो मैं वैसोलीन ही यूज करती हूँ। सो गाइज कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये स्किन केयर रूटीन? आई होप आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। और भी कुछ जानना चाहते हैं स्किन केयर के बारे में या हेयर केयर के बारे में तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आप मुझसे पूछ सकते हैं या फिर आप नीचे कमेंट करिएगा। थैंक्स फॉर वॉच, बाय बाय ऑल।